गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टमर बिहेवियर इन ऑनलाइन स्पेस। तो जब हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कस्टमर का क्या बिहेवियर रहता है। अकॉर्डिंग टू द अबव फिगर इन द सर्च स्टेज दे माइट लुक फॉर द प्रोडक्ट रिव्यूज और कस्टमर कॉमेंट्स। दे विल फाइंड आउट विच ब्रांड और कंपनी ऑफर्स दैम the best fit to their expectation. During this stage, well-organized website structure and attractive design are important things to pursue consumer to be interested in buying products or service. तो क्या है, जब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, नीचे हम कॉमेंट्स देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज़ रहे हैं, कस्टमर्स ने क्या कमेंट किया है कि प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो वो हमारी ज़रूरतें पूरी भी कर पाएगा या नहीं। तो हमें क्या है कि अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, तो हमें जो अपनी वेबसाइट है वो सुंदर बनानी है, इफ़ेक्टिव बनानी है, उसमें ऑफ़र्स वगैरह डालने हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट हो और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने में इंटरेस्ट दिखाए। तो स्टेज वन, द मोस्ट यूजफुल करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट इज दैट इट सपोर्ट्स द प्री परचेज स्टेज एज इट हेल्प्स कस्टमर्स कंपेयर डिफरेंट ऑप्शंस। तो क्या, जब हमने फॉर एग्जांपल मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, ऑनलाइन, तो हम गूगल करते हैं, फिर हम उनको कंपेयर करते हैं मोबाइल्स को एक दो को, फिर हम लेते हैं उस पे, फिर हम अमेज़ॉन वगैरह पे परचेज कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कैसे है सारा, उसके फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द परचेजिंग स्टेज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट सेल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन क्वालिटी सीम टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हेल्प कंज्यूमर डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट दे शुड सिलेक्ट और व्हाट सेलर दे शुड बाय फ्रॉम। तो जब हम परचेज करते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है कि हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है, क्या ये सर्विसेज दे रहे हैं और प्रोडक्ट की कैसी पैकेजिंग है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को और हम ये भी सिलेक्ट करते हैं कि हम कहाँ से लेंगे। हम फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, हम अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, माइंत्रा से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर द ऑनलाइन परचेज। कंज्यूमर्स sometimes have a difficulty or concern about the product or they might want to change or return the product that they have bought. Thus, return and exchange services become more important at this stage. तो क्या इसके बाद है post purchase, जब हमने product खरीद लिया online, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें कोई problem आ रही है, जैसे for example जो हमने कोई कपड़े खरीदे, ठीक है, उसका जो साइज़ है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं और वेबसाइट वालों को बोल सकते हैं कि हमारे रिफ़ंड कर दो अकाउंट में, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर के। द फर्स्ट एलिमेंट टू आइडेंटिफाई आर फैक्टर्स दैट मोटिवेट कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑनलाइन। दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर के। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कस्टमर। दे कैन डिवाइड फाइव सेक्टर्स, नेमली डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी, कल्चर, सब कल्चर, रेफरेंस ग्रुप्स एंड मार्केटिंग। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो फैक्टर्स जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स में, और इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे जैसे हमारी परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हमने सेल्फ इमेज क्या बनाई है, वो सब चीज़ें, एटीट्यूड क्या है हमारा प्रोडक्ट और सर्विस को लेके। नेक्स्ट इज द फंक्शनल मोटिव इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर नीड्स एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक टाइम, कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन, प्राइस, द एनवायरमेंट ऑफ शॉपिंग प्लेस, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें आएगा कि कंज्यूमर के नीड्स
के अकॉर्डिंग, उनके टाइम की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट रहती है, ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद लेते हैं. द नॉन फंक्शनल मोटिव रिलेटेड टू कल्चर और सोशल वैल्यूज लाइक द ब्रांड ऑफ द स्टोर और प्रोडक्ट. तो इससे कोई खास लेना देना नहीं होता, क्योंकि वेबसाइट में तो सारे आपको जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज फिल्टरिंग एलिमेंट्स. कस्टमर यूज दीज थ्री फैक्टर्स टू फिल्टर देयर बाइंग चॉइसेस एंड डिसाइड ऑन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द स्टोर दे आर विलिंग टू परचेज फ्रॉम. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो देखते हैं जब वो ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करते हैं? तो सबसे पहले सिक्योरिटी देखते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है. देन वो पासवर्ड्स देखते हैं, क्योंकि आपकी प्राइवेसी बहुत हैम्पर होती है, ठीक है. देन इज ट्रस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस, कि आप दूसरे इंसान पे ट्रस्ट भी कर सकते हो कि वो अच्छा प्रोडक्ट भेजेंगे. तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.